फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 100 से लेकर 150 तक का क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन से ज़्यादा कवर किए थे। ये सीरीज़ जो है वो 1300 क्वेश्चंस की होने वाली है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, और आज की वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर फ्रेंड्स आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो पूरी सीरीज़ फॉलो करिएगा, इसके बाहर आपके GS GK के क्वेश्चन नहीं जाएंगे, इसी से एग्ज़ाम में आएगा अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये 102 वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है जो है, सतवाना डायनेस्टी इज आल्सो नोन एज अंध्र जाति डायनेस्टी। सतनवा डायनेस्टी को और किस नाम से जानते हैं, अंध्र जाति डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। फाउंडर ऑफ सतवाना डायनेस्टी, सतवाना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, वो थे शिमुक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये है, पावरफुल रूलर ऑफ सतवाना डायनेस्टी वो कौन थे, सताकर्णी फर्स्ट। पावरफुल रूलर सतवाना डायनेस्टी के कौन थे, सताकर्णी फर्स्ट। 105 वाला हम देखेंगे, इंटेलिजेंट रूलर ऑफ सतवाना डायनेस्टी, यानी कि इंटेलिजेंट रूलर कौन थे सतवाना डायनेस्टी के, वो कौन थे, हल्ला। रिटन गाथा सप्तास्ती, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सतवाना डायनेस्टी, सतवाना डायनेस्टी की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, वो क्या थी, प्राकृत। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, लास्ट रूलर ऑफ सतवाना डायनेस्टी, लास्ट रूलर सतवाना डायनेस्टी के कौन थे, वो कौन थे, पुलुमावीर 4। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास 108 वाला हम देखेंगे, द स्क्रिप्ट ऑफ सतवाना लिटरेचर, यानी कि स्क्रिप्ट जो थी वो सतवाना लिटरेचर की क्या थी, वो थी ब्राह्मी। नेक्स्ट हम देखेंगे, कैपिटल ऑफ सतवाना डायनेस्टी, कैपिटल ऑफ सतवाना डायनेस्टी यानी कि कैपिटल क्या थी सतवाना डायनेस्टी की, वो क्या थी, हमारी प्रतिष्ठाना या पैठान, प्रतिष्ठाना या पैठान के नाम से उसे जाना जाता है, जो कैपिटल थी सतवाना डायनेस्टी की। नेक्स्ट हम देखेंगे, द फर्स्ट फॉरेन टू इन्वेड इंडिया, फर्स्ट फॉरेन टू इन्वेड इंडिया वो कौन थे, ग्रीक हिंदिया बना। नेक्स्ट हम देखेंगे, पावरफुल इंडो ग्रीक रूलर वो कौन थे, मीनानंदर। फर्स्ट टू यूज़ ग्रीक कॉइन्स, फर्स्ट टू यूज़ ग्रीक कॉइन वो कौन थे, ग्रीक, जो पहली बार ग्रीक कॉइन यूज़ किए थे, फर्स्ट टू यूज़, हाँ ये यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे, द शाक्यास ऑल्सो नोन एज, जो शाक्या थे उनको और किस नाम से जाना जाता था, शैखाथियंस, किस नाम से जाना था, शैखाथियंस। द नेक्स्ट हम देखेंगे, द मोस्ट फेमस एंड पावरफुल रूलर ऑफ शाखा, जो मोस्ट फेमस और पावरफुल रूलर था शाखा का, वो कौन था, रुद्रामन, कौन था वो, रुद्रामन। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, नेशनल कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन शाखा, जो नेशनल कैलेंडर इनका था वो किस पे बेस्ड था, वो शाखा पे ही बेस्ड था। इन 58 BC शाखास वर डिफीटेड बाय, 58 BC में शाखास को किसने हराया था, किंग ऑफ उज्जैन विक्रम आदित्य ने, किंग कहाँ के, उज्जैन के, और वो कौन थे, विक्रम आदित्य। नेक्स्ट हम देखेंगे, पावरफुल किंग ऑफ पार्थियंस, पावरफुल किंग पार्थियंस के कौन थे, वो कौन थे, गोंडो फेरिनस, कौन थे फ्रेंड्स, गोंडो फेरिनस। नेक्स्ट हम देखेंगे, शूद्रदर्शन वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, शूद्रदर्शन किसने कंस्ट्रक्ट किया था, वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था, पुष्यगुप्त ने, किसने कंस्ट्रक्ट किया था फ्रेंड्स, पुष्यगुप्त ने। नेक्स्ट हम देखेंगे, फाउंडर ऑफ कुशांस डायनेस्टी, कुशांस डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, काजुल कदाफिसिस, कौन थे वो, काजुल कदाफिसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ से, कनिष्क इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड अशोक, कनिष्का को और किस नाम से जाना जाता है, सेकेंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्रोमिनेंट रूलर हु स्टार्टेड नेशनल कैलेंडर ऑफ 365 डेज विच इंडिया इज फॉलोइंग फ्रॉम 22 मार्च 1857 वो कौन थे, कनिष्क थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये वाला हो गया फ्रेंड्स, फिर से एक बार देख लीजिए, प्रोमिनेंट रूलर हु स्टार्टेड नेशनल कैलेंडर ऑफ 365 डेज विच इंडिया इज़ फॉलोइंग फ्रॉम 22 मार्च 1857 वो कौन से रूलर थे, वो थे कनिष्का।
नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हमारे पास आ गया है संगम पीरियड। तो पहला यहाँ पे हम देखेंगे विजयनगर। विजयनगर को और किस नाम से जाना जाता है? टावर ऑफ विक्टोरिया के नाम से जाना जाता है। विजयनगर को किस नाम से जाना जाता है? टावर ऑफ विक्टोरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे संगम वंश फाउंडर आर, संगम वंश फाउंडर आर वो कौन थे? हरिहर एंड बुक्का राय। संगम वंश के फाउंडर कौन थे? हरिहर एंड बुक्का राय। नेक्स्ट हम देखेंगे बुक्का राय वन, रायचूर दो, कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर, विजयनगर ईस्टर्न। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे द चोलास किंगडम सिचुएटेड इन बिटवीन, द चोलास किंगडम सिचुएटेड इन बिटवीन पनार एंड वेलार। नेक्स्ट हम देखेंगे उरायूर प्लेस फेमस फॉर कॉटन ट्रेड। उरायूर प्लेस किस लिए फेमस था? कॉटन ट्रेड के लिए। अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड में फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वो कौन थे? श्री गुप्ता ने। तो हमने देखा यहाँ पे फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी के कौन थे? वो थे श्री गुप्ता। अब नेक्स्ट हम देखेंगे चंद्रगुप्त वन फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर स्टार्टेड गुप्ता एरा, टाइटल वॉज महाराजन महाराज धीरज। इनको कौन सा टाइटल मिला था? महाराजा धीरज का भी टाइटल मिला था चंद्रगुप्त मौर्य के। ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे गुप्ता एरा के और इनको टाइटल क्या मिला था? महाराज धीरज। नेक्स्ट हम देखेंगे समुद्रगुप्त, टाइटल वॉज ली चावी। समुद्रगुप्त को एक और टाइटल मिला था, वो क्या मिला था? ली छवि और डायथारिक। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स, पहला कौन थे जो सिल्वर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किए थे? वो कौन थे? चंद्रगुप्त टू। समुद्रगुप्त मिलिट्री कैंपेन जस्टिफाई डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम एज द इंडियन नेपोलियन बाय बी ए स्मिथ। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइटल ऑफ समुद्रगुप्त, और क्या टाइटल मिले थे समुद्रगुप्त को? विक्रमादित्य, विक्रम, देवराज, परम भागवत, इन नाम से भी समुद्रगुप्त को जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे चंद्रगुप्त टू हैड 9 जेम्स, इनके कितने जेम्स थे? 9 जेम्स और 9 रत्न इन हिज किंगडम। 9 जेम्स को हम 9 रत्न भी बोलते हैं, इनके राज दरबार में थे। फर्स्ट कौन थे? कालिदास, जो कि पोएट थे, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्या थे हमारे पास? धनावंतरी, जिसे कि जो कि डॉक्टर थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बरावीर, जियोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइहान, चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त टू। इस चंद्रगुप्त टू के रीजन में फाइहान आए थे। ये बहुत एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में कौन आया था चाइनीज पिलग्रिम में, वो कौन थे? फाइहान थे। नेक्स्ट हम देखेंगे द टाइटल ऑफ चंद्रगुप्त टू, ये हमने फ्रेंड्स देख लिया है। नहीं, द टाइटल ऑफ चंद्रगुप्त टू, वो उनको क्या टाइटल मिला था? देवगुप्त, देवराजा, परमा भगवतम, नरेंद्र चंद्रा, शीन विक्रम, इन नाम से भी चंद्रगुप्त टू को जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे चंद्रगुप्त सेकेंड वॉज सक्सीड बाय हिज सन कुमार गुप्ता वन। नेक्स्ट हम देखेंगे कुमार गुप्त वन फाउंडर नालंदा यूनिवर्सिटी। फाउंडर कौन था नालंदा यूनिवर्सिटी का? वो कौन था? कुमार गुप्त फर्स्ट। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पे है? ये बिहार में है। और इस यूनिवर्सिटी में इतनी सारी बुकें थी कि जिसको जलने में महीनों लग गए थे। और इस यूनिवर्सिटी को जलाया किसने था, वो कौन थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी के कौन से रूलर थे जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को जलाया था। नालंदा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस यूनिवर्सिटीज़ में हज़ारों लाखों बुक्स थी, जिससे कि इंडिया का बहुत ही डेवलपमेंट हुआ था, बट आगे लोग ना बढ़े इस वजह से इस यूनिवर्सिटी को जलाया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे 138 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। टाइटल ऑफ कुमार गुप्त वन, टाइटल क्या मिला था कुमार गुप्त फर्स्ट को? देखिए यहाँ पे महेंद्र आदित्य के नाम से भी इनको एक टाइटल मिला था, महेंद्र सिंह के नाम भी मिला था इन्हें। और नेक्स्ट हमारा क्या है? अश्वमेधा महेंद्र।
ये हमने देख लिया फ्रेंड्स, टाइटल कुमार गुप्त फर्स्ट को किस किस नाम से जाना जाता था, तो महेंद्र आदित्य, महेंद्र सिंह, अश्वामेधा महेंद्र। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, वो कौन थे लास्ट रूलर गुप्ता डायनेस्टी के, शकांत गुप्ता। नेक्स्ट हम देखेंगे शकांत गुप्त को और सन ऑफ, ये किसके बेटे थे, कुमार गुप्त के, पोस्ट गुप्त पीरियड या वर्धना डायनेस्टी, अब इसको हम देखेंगे। तो फाउंडर ऑफ वर्धना डायनेस्टी, फाउंडर कौन थे वर्धना डायनेस्टी के, वो कौन थे, पुष्यभूति। पावरफुल रूलर ऑफ वर्धना डायनेस्टी, पावरफुल रूलर वर्धना डायनेस्टी के कौन थे, वो कौन थे, हर्षवर्धन। नेक्स्ट हम देखेंगे फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, वो कौन थे, चैरिस चंद्र। नेक्स्ट हम देखेंगे रियल फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, वो कौन थे, नागभट्ट वन। रियल फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी नागभट्ट वन। नेक्स्ट हम देखेंगे चौहान वंश, इसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स, ये हमारे पास है चौहान वंश और इसमें हम देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने बैटल लड़ा था तेराइन का 1191 में, और ये किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बिटवीन में, पृथ्वीराज चौहान डिफीट्स मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट बैटल इन्होंने लड़ा था तराइन का, वो कब हुआ था, 1192 में हुआ था फ्रेंड्स, और बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान को किसने डिफीट किया था, यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने डिफीट किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे 1194 में बैटल ऑफ चन्नावर हुआ था, और ये किसके बिटवीन में हुआ था, ये हुआ था मोहम्मद गौरी और जयाचंद के बिटवीन में, और मोहम्मद गौरी डिफीट्स जयाचंद, यानी कि मोहम्मद गौरी ने किसको डिफीट किया था, जयचंद को किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे ढंग, ढंग क्या था, ये खुजराव का टेम्पल था, जो कि एग्जाम पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स, इनके टाइम पे था। नेक्स्ट आएगा हमारे पास दिल्ली सल्तनत, उसमें हम देखेंगे यहाँ पे ये अरेबियंस फर्स्ट इन्वेंशन इन इंडिया, अरेबियंस ने पहली बार इन्वेंशन किया था इंडिया पे, वो कब किया था, 663 AD में किया था। कब किया था फ्रेंड्स, 663 AD में किया था, जो कि अनसक्सेसफुल था। नेक्स्ट हम देखेंगे मोहम्मद गजनवी अटैक इंडिया फॉर 17 times, मोहम्मद गजनवी ने इंडिया पे कितनी बार अटैक किया था, 17 times। आप सोच सकते हैं इंडिया में कितना सोना चांदी था कि इन्होंने 17 बार अटैक किया था, और इन्होंने लास्ट टाइम कब कहाँ पे अटैक किया था, इन्होंने लास्ट टाइम अटैक किया था गोल्डन टेंपल पे, और आप मुझे बताएंगे कि इन्होंने लास्ट सिख गुरु को किसको मारा था जब ये लास्ट टाइम अटैक किए थे गोल्डन टेंपल जो कि है अभी अमृतसर में। नेक्स्ट हम देखेंगे 148 वाला, फर्स्ट टर्किश इन्वेंशन, फर्स्ट टर्किश इन्वेंशन कब हुआ था, 1997 AD बाय मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट 17 अटैक ऑन इंडिया बाय मोहम्मद गजनबी 1027। मोहम्मद गजनबी इज आल्सो नोन एज आइकोनोडास्ट, मोहम्मद गजनबी को और किस नाम से, इनको और किस नाम से जाना जाता है, आइकोन डास्ट के नाम से जाना जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड टर्किश इन्वेडेड इंडिया, सेकंड टर्किश जो कि इन्वेडेड इंडिया थे वो कौन थे, वो आप मुझे बताएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं और 50 क्वेश्चन लाऊंगी, इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे जल्द से जल्द। ये 1300 क्वेश्चंस की सीरीज़ होने वाली है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है, जो कि हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।